वीडियो चूंकि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जंस, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ठीक है। तो ऐसे सेक्शंस में तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पर क्लिक करके, या फिर इस पर क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो तुरंत सेक्शन पर पूछ जाओगे, ठीक है। तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था, बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं अब से करूँगा। तो आज जो प्रोग्राम्स कराए हैं वो तुरंत देख लिया गया, बहुत छोटे हैं, टू डायमेंशनल एरे के ऊपर कराया गया, ठीक है। तो जी एडिट Q1.c। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्कैन करना है और प्रिंट करना है एक 4x5 की मैट्रिक्स, ठीक है। और तो उसके लिए हम लोग टू डायमेंशनल एरे का यूज़ करेंगे। तो एक इंटीजर टाइप का मैंने टू डायमेंशनल एरे कर लिया जिसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाया जो आउटर फॉर लूप एक चलाया जो क्या हम लोग का देखेगा, वो हम लोग का देखेगा तुम्हारा रोज़, ठीक है, ये रोज़ के लिए चल रहा है। और ये जो इनर फॉर लूप है ये हमारा देखेगा कॉलम्स, ठीक है। तो बेसिकली रो 1 0 बनी रहेगी, कॉलम्स 1 2 3 होंगे, फिर उसके बाद रो 2 होगी, फिर कॉलम 1 2 3 होंगे, फिर रो 3 होगी तो कॉलम 1 2 3 होगा, रो 4 होगी, वैसे रो 3 तक ही चलने वाला, लेकिन 4th, हाँ ठीक है, 4 होगी तो ये चलेगा, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब हर एक कॉलम के लिए, मतलब रो अभी 0 है, ठीक है, रो अभी 0 है, प्रिंट कर देगा रो 0, और कॉलम प्रिंट कर देगा अभी फिलहाल 0 ही है, तो 0.0 में हम इनपुट ले लेंगे एक वैल्यू, ठीक है, यूज़र से। फिर उसके बाद ये इनर लूप चलेगा, दूसरा कॉलम आएगा, रो अभी 0 बनी रहेगी, कॉलम हमारा 1 हो जाएगा, फिर वहाँ हम इनपुट ले लेंगे, ऐसे ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम वैसे ही प्रोग्राम है, यहाँ से यहाँ तो पूरा सेम है, रोज एंड कॉलम्स को रीड करने के लिए 2 लूप्स लगे हुए हैं, बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग इट वी आर प्रिंटिंग इट, ठीक है। और जैसे ही एक रो प्रिंट हुई, जैसे यहाँ रो 0 प्रिंट हुई, फिर उसके बाद स्लैश एन करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और फिर उसके बाद सेकेंड रो का सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो gcc q1.c/out, तो पहला मान लो मैंने डाल दिया क्या 1 1, चलो बस अब मैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारे इनपुट्स 1 थे, ये सारे 3x4 की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, लास्ट एलिमेंट 11 था हमारा, ठीक है, ये हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, gedit q2.c, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। तो gcc q2.c, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम लोग की जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है, ठीक है। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 रिप्लेस हो जाएगा, ये 1 3 रिप्लेस हो जाएगा, ये 4 1 रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो 1 था ये इधर चला गया, ये 1 था इधर चला गया, ये 1 था इधर चला गया, और ये सब कॉरस्पॉन्डिंग इधर आ गए। तो देखो 1 जितने भी गए वो इधर आ गए, जो ये वाले थे वो इस साइड आ गए, बस ये मिडिल वाली जो लाइन होगी, ये 1 2 3 4 वाली, ये 1 2 3 4 वाली जो मीडियम लाइन होगी, ये वाले एलिमेंट्स नहीं होते स्वैप, बाकी सारे इधर से उधर स्वैप हो जाते हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं वो हम देखते हैं। तो वही सेम एक 4x4 की टू डायमेंशनल एरे हमने ले ली, ठीक है, ये लूप चलाया है स्कैन करने के लिए, ठीक है, ये लूप चलाया है प्रिंट करने के लिए जैसे हमने पिछली बार किया था, ठीक है। अब हमारा आता है ट्रांसपोज का काम, तो हमने वही सेम लूप चलाया, बट इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से less than 3 तक, 4 तक नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। 4 तक क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे ये 4th एलिमेंट को, ठीक है, मीन्स जो ये वाला रो है, ठीक है, 4th रो है, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर के जितने होंगे जैसे ही यहाँ तक आएगा ये सारे स्वैप हो चुके होंगे,
ठीक है, जब प्रैक्टिकली करके देखोगे समझ में आएगा, उसको पेपर पे करके देखो समझ में आएगा, फोर्स वाले की जरूरत नहीं। फिर इनर लूप जो चला रहे हैं वो हम जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन से चला रहे हैं, जे लेस देन फोर तक, ठीक है, ये नॉर्मल फोर तक चलेगा, ठीक है, ये फोर तक चलेगा, बट ये आई प्लस वन तक चलेगा, मतलब फर्स्ट रो है, ठीक है, तो ये आई प्लस वन, मतलब यहाँ से ये स्वैपिंग करेगा, ठीक है, फर्स्ट वन को किससे स्वैप करेगा, नहीं कर सकता, तो इसको इससे स्वैप करेगा ना, तो बेसिकली आई प्लस वन से स्टार्ट हुआ, सेकेंड रो है, ठीक है, अब क्या करेगा, सेकेंड रो पे आया तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली समझ सकते हो थ्री फोर करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आएगा तो फोर करेगा, समझ गए, तो हम देख लेते हैं, इसको क्लास में समझाया गया था, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से उसको ध्यान दो, जो स्क्रीन शॉट विनशॉट लिए हो गए देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक बस स्वैप करना है, तो हमने क्या किया, int एक टेम्प वेरिएबल दिया, उसमें एक जो एरे करेंटली है वो डाल दिया, और उस एरे में j कॉमा i डाल दिया, मीन्स देख लो ये क्या है, ये 0,1 है, ठीक है, इसको हमको इससे स्वैप करना है, तो ये क्या है, 1,0 है, राइट, ये 0,1 है ना, ये 1,0 है, ये क्या है, 0,2 है, ये 0,1,2 है ना, तो 0,2 है, ये क्या है, इसको इससे स्वैप करेगा, राइट, ये क्या है, ये 2,0 है, राइट, समझ में आ रहा है, तो हमने बेसिकली उससे स्वैप कर दिया, और जो यहाँ पे वेरिएबल था उसको डाल दिया, ये स्वैपिंग तो जानते ही हो, ठीक है, और जो भी आया उसको मैंने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया, ठीक है, वही प्रिंटिंग का तरीका सेम है जैसे ऊपर हमने किया था, बस फिर उसके बाद तो मैं आउटपुट देख लिया, फिर जी एडिट करते हैं Q3.c, ठीक है, हमें चेक करना है जितने भी इनपुट्स ले रहे हैं कि भाई कितने ऑड हैं, कितने इवन हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। फिलहाल देखो नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं, हम लोग उसको भी इवन एंड ऑड में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि उसको ना करें, ठीक है, फिलहाल देख लो, एंटी इवन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सारे मैंने काउंटर वेरिएबल्स लगाए, ठीक है, मीन्स इसको काउंट करने के लिए आएगा इस्तेमाल में, एक 10 का एरे लिया, ठीक है, एरे में इनपुट लिया मैंने फॉर लूप लगा के, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे नहीं है, ये सिंगल नॉर्मल एरे है, ठीक है, अब फॉर हर एक एरे के एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या मॉड्यूलो 2 W0, मतलब इवन है, अगर हो गया तो ये इसमें चला जाएगा, एल्स ऑड वाला प्लस हो जाएगा, फिर एक नया हमने बनाया कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई पॉजिटिव प्लस प्लस, अगर W0 है तो वो 0 एलिमेंट, 0 है ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और एल्स नेगेटिव प्लस प्लस, और मैंने ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये तो सिंपल था, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं Q3.c डॉट स्लैश आउट, मैंने डाल दिया मान लो -5, सॉरी -4 डालते हैं, चलो -4, -3, -2, -1, सॉरी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इवन कितने आए, देखो ये 4, 2, 0, ठीक है, तो 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ठीक है, तो 5 इवेंट्स हो गए वैसे ही करस्पॉन्डिंगली। अच्छा बाय द वे, 1, 2, 0 को भी इसने इवन में किया है क्योंकि भाई मॉड्यूलो 2 W0, ठीक है, तो इवन हो गया 5, ऑड 5, समझ आ गया, हाँ +5, जैसे 1 से लेके 5 तक ये पॉजिटिव हो गए, 0 कितने, 1 है भाई, 1 0 हमने डाला है एरे में, और नेगेटिव कितने हुए, 4, ये इसके नीचे पीछे 4 है, ठीक है, 0 के पहले जितने वो नेगेटिव है वो 4 हो गए, ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत आसान था ये। जी एडिट Q5 चलना है ना, Q4 था, Q4, अच्छा Q4.c। अब हमको करना था कुछ नहीं कि एक स्केलर कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स डबल 2 डायमेंशनल एरे की होगी, तो ये लो एक लूप लिया मैंने मैट्रिक्स को इनपुट करने के लिए, ये लूप है, फिर मैंने एक स्केलर कांस्टेंट तुमसे लिया, ठीक है, यूजर से लिया, और उसके बाद ये हमने प्रिंट किया, प्रिंट कैसे किया, हर एक एलिमेंट में स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने हर एक एलिमेंट जो प्रिंट कर रहा हूँ उसी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है उसमें एक ये स्केलर कांस्टेंट, एक जो ये वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो के प्रिंट हो रहा है, तो बेसिकली इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है, GCC Q4.c .out, तो हम 1 1 का ले लेते हैं, चलो ठीक है, अब स्केलर कांस्टेंट मान लो मैंने ले लिया 10, ठीक है, 10 से मिलने में अप्लाई किया, चलो 11 ले लो, ठीक है, नहीं रहने दो मैं 8 लूँगा, ठीक है, तो जो सारे जो मैट्रिक्स होगा उससे 8 मल्टीप्लाई हो गया और आउटपुट आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है Q5.c, ठीक है, तो एड अ मैट्रिक्स ऑफ 4,
एड टू मैट्रिक्स ऑफ 4x4, ठीक है, 4x4 के मैट्रिक्स है, तो मैंने एक टू डायमेंशनल एरे लिया ए, दूसरा टू डायमेंशनल लिया ये, ठीक है। अब मैं 4x4 की कर सकता था, ठीक है, राइट, मैं इसका 4x4 कर दूँ, इसको इसको 4x4 कर दूँ, लेकिन मैंने अभी 3 कर दिया, चलो ठीक है, आसान करने के लिए। अब हमने क्या किया, एक फॉर लूप लिया जिसमें हम लोग ए में इनपुट कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरे, फिर हमने एक फॉर लूप लिया जिसमें हम बी में एंटर कर रहे हैं, राइट, फिर उसके बाद एक फॉर लूप लिया प्रिंट करने के लिए, लेकिन हम उसके हर आई और जे पे जो ए का एलिमेंट है उसको बी के एलिमेंट से उसी पोजिशन पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आई 0,0 जो होगा उसको ऐड कर देंगे बी 0,0 से, ठीक है, वही तो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, वही तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं GCC Q5.c, ठीक है, डॉट स्लैश डॉट आउट, ठीक है। अब मान लो मैं 1 1 ही डालता हूँ, ठीक है, ठीक है, देखो ये एक एरे हो गया 2,3 तक गया, अब फिर से 0,0, मतलब ये दूसरा एरे है, तो इसमें भी हम 1 करेंगे, चलो तो क्या आना चाहिए, सब 1+1 टू 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 आना चाहिए ना, हर एक पोजिशन पे 2 2 2 आएगा, ठीक है, देख लेते हैं, देखो 2 2 2 2 2 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये था हमारा आज के प्रॉब्लम्स, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और थे, देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, राइट, या ये बस इतने ही आज के प्रोग्राम्स थे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सिया, बाय बाय।